हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ये डोरमेट बताऊंगी। ये डोरमेट कैसे बनाना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और ये डोरमेट बनाना सीखें। ये डोरमेट दोनों तरफ एक जैसा ही लगता है, तो इसको मैं ये डबल करके दिखाती हूँ कि इसमें कोई झोल नहीं है, एकदम गोल बना है। तो एक बार फिर से पलट के दिखाते हैं, देखना एकदम गोल बना है ये डोरमेट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम डोरमेट बनाना सीखते हैं। तो ये मैंने पट्टियाँ ली हैं साड़ी की, ये मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी काटी है साड़ी की, ये भी काटनी है 4 इंच चौड़ी और ये भी काटनी है। दो कलर की पट्टी ली है मैंने ये। अब मैं इन दोनों पट्टियों को ऐसे डबल चबल करके एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे दो चक्कर लगाने, दो चक्कर मतलब दो राउंड लगाने। तो ये मैंने दो राउंड लगा दिए। तो अब मैं इसमें से एक पट्टी लेके और इस पट्टी में मैंने ये एक पिन लगाई है। तो ये पिन लगा के इसके अंदर ऐसे डाल के बिनना शुरू कर देती हूँ। इसको ऐसे इधर डाल देंगे पट्टी को और इस वाली पट्टी को इधर दबा लेंगे जिससे बार बार ये ढीली नहीं होगी। और ऐसे इसको खींचेंगे तो एक फंदा हमारा हो गया है। तो ऐसे ही हम दोबारा से डालेंगे इसमें ऐसे और फिर से ऐसे खींच के निकालेंगे और ऐसे हमारा ये दूसरा फंदा बन गया। तो ऐसे ही हमें बार बार फंदे बन डालने इसमें। दो फंदे मैंने डाल दिए, अब ये तीसरा फंदा डाल देती हूँ। ये तीसरा फंदा भी डाल दिया है, ऐसे चौथा फंदा। ऐसे ही हमें फंदे डालने हैं। तो ऐसे ही हमें इसका पूरा चक्कर लगाना है। तो ये मैंने इसका पूरा चक्कर लगा दिया है। तो अब मैं इस पर एक दूसरा चक्कर लगाऊंगी। अब मैं इसमें ऐसे एक ही फंदे में दो बार फंदा डालूंगी। तो एक बार मैंने इसमें डाल दिया है, अब दोबारा भी इसी में डाल के बना रही हूँ।
ऐसे ही इसमें भी पूरा चक्कर लगा लेंगे। तो ये मैंने इसमें पूरा चक्कर लगा लिया है। तो अब फिर से अब इसमें हम कलर बदलेंगे, फिर से दूसरे कलर से बनाना शुरू करेंगे। एक चक्कर लगाने के बाद हम कलर बदल लेते हैं, हर एक एक चक्कर पे हम दूसरा कलर से बना रहे हैं। तो यहाँ हमारा कपड़ा छोटा हो गया है, तो हम इसमें अब दूसरा कपड़ा लगा लेंगे। तो ये मैंने कपड़ा मशीन से सिलाई कर ली है, तो ये हमने कपड़ा दूसरा लगा लिया है। इसमें अब हम एक फंदे में दो फंदे लेंगे और इसमें भी अब हम पूरा चक्कर लगा लेते हैं। तो ये मैंने इसमें पूरा चक्कर लगा लिया है। तो अब हम इसका फिर से कलर बदल के बनाना शुरू कर देते हैं। और इस वाले में हमें एक ही फंदे में एक ही फंदा डालना है, क्योंकि पहले ही मैंने दूसरे वाले में फंदे बढ़ा दिए थे। तो इस वाले में हमें फंदा नहीं बढ़ाना, एक फंदे में ही एक फंदा डालना है। और आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको जहाँ सिमटा हुआ लग रहा है तो वहाँ फंदा बढ़ा सकते हैं, जहाँ ज़्यादा झोल लग रही है वहाँ बढ़ाएं नहीं, उतना ही रहने दें। तो अपने आप झोल ख़त्म हो जाएगी, कम फंदे होंगे तो टोकरी सा बनने लगेगा। मान लीजिए आपने कम फंदे बढ़ाए हैं तो एकदम फैलाव सही से नहीं आएगा, ज़मीन पर रखेंगे तो सही से बिछाने में नहीं आएगा और टोकरी सा होता जाएगा। तो आप वैसा हो तो फंदे बढ़ाना शुरू कर दें और सही से देखते रहें बिछा के कि हमारा सीधा सीधा हो रहा है कि नहीं, टोकरी सा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा फंदे हो जाएंगे तो ज़्यादा ही झोल सी आने लगेगी, तो वैसा देख के बनाना है। तो ये भी मैंने पूरा राउंड लगा लिया है, तो ऐसे ही हमें इसको पूरा बनाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।